हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूँ आपका स्माइल मेकर। दोस्तों, हमारा जो 10 चैप्टर चल रहा है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है, ठीक है। आज उसका क्या है, लास्ट दिन है। आज हम उसको बिल्कुल क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बने, आपको कहीं से भी छूटने वाला कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। हमने सभी प्रश्न या सभी टॉपिक के प्रश्न आपको कराए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो बिल्कुल आज लास्ट है, और हो सकता था मैं इसको कल ही फिनिश कर देता, लेकिन मैंने सोचा वीडियो लेंथी हो जाएगी क्योंकि न्यूमेरिकल भी कराना आपको जरूरी था, ठीक है। मैंने आपसे ये भी पूछा था, जब भी आप अगर आप लेंस की फोकस दूरी का डेरिवेशन कराना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके बताएं, ठीक है, तो मैं आपको उसका डेरिवेशन भी सोल्व कराऊंगा, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो सिलेबस में है वो डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल है, और वो भी या तो आपको दर्पण से न्यूमेरिकल आ सकता है या आपको लेंस, ठीक है, लेकिन आएगा दोनों में से एक। ऐसा नहीं होगा आपको दोनों न्यूमेरिकल देगा, ठीक है, ओनली वन आएगा, या तो दर्पण से या लेंस, ठीक है। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे क्या, लेंस की क्षमता, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या करेंगे हम, लेंस की क्षमता को कह में नापते हैं, लेंस की क्षमता, ठीक है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, क्या होगा, ठीक है, क्या है मात्रक, क्या है इसका मात्रक, क्या है डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायोप्टर की डेफिनेशन क्या होगी, डायोप्टर की डेफिनेशन होगी एक डायोप्टर उस लेंस की दूरी है, उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी एक मीटर हो, ठीक है, यह है का पॉइंट, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर, ठीक है दोस्तों, 1 मीटर। यानी कि अगर 1 मीटर होगा, फोकस दूरी 1 मीटर होगी, तो क्या होगी, लेंस की क्षमता, यानी कि डायोप्टर 1, एक डायोप्टर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम उसको कैसे लिख सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बराबर के 1/f, स्मॉल f, पी क्या है, क्षमता है, और ये f है क्या, ये यहाँ पे f, ये जो f है ये है सेंटीमीटर में, ठीक है, ये जो f है ये है सेंटीमीटर में, बस इतना ध्यान रखना आप यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मीटर में, क्योंकि अभी इसने क्या किया, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर में, लेकिन ये तो है सेंटीमीटर में, अब हम इसको किस प्रकार से करेंगे वो देखना, ठीक है। अगर हम सेंटीमीटर में ऊपर है बस, तो हम अगर इसे मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में बनाएंगे, तो किस प्रकार से करेंगे हम, अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, आप एक बार बताओ क्या करते हैं, अगर हम इस एफ को 100 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं, बस इतना बताओ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इस f को डिवाइड कर देंगे कितना, 100 से, किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, तो p बराबर क्या करते हैं, 1/f, f को कैसे डिवाइड करते हैं, 100, ठीक है, अब ये 100 है तो ये ऊपर चले जाएगा, तो p बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 100/f, ठीक है, और ये कैन में आ चुकी है मीटर में, तो उसका मात्रक कितना होगा, मात्रक होगा इसका डायोप्टर, ठीक है, मात्रक क्या होगा इसका, डायोप्टर, डायोप्टर को
कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैसे प्रदर्शित करते हैं डॉक्टर को? कैपिटल डी से। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेंस की क्षमता के बारे में बता दिया, यानी कि बड़ा डॉक्टर उसी लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी है 1 मीटर। मीटर का मतलब आपको मालूम हो चुका है। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन देखिए छोटा सा जिससे आपको ये मालूम हो जाए। करते हैं रब, आपको मालूम हो चुका है ना डायरेक्टर। अब मान लो किसी लेंस की फोकस दूरी है, ये कोई लेंस है, ठीक है, ये लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी है हमारे पास 50/3 है। इसकी क्षमता लेंस की क्षमता बताओ, लेंस की क्षमता बताओ। ठीक है, लेंस की क्षमता बराबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको मालूम है एफ बराबर तो है हमारे पास कितना, 50/3। ठीक है, अब आपको मालूम ये नहीं, ये प्लस है माइनस है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेंस ले ले, कौन सा उत्तल, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो फोकस दूरी होगी प्लस के। ठीक है, आपको मालूम है उत्तल लेंस में फोकस दूरी होती है प्लस के, और अगर अवतल लेंस लेंगे, अवतल लेंस, तो फोकस दूरी होगी क्या है कि माइनस। फोकस दूरी f बराबर होगा माइनस, और यहाँ पे f बराबर है कितना, प्लस। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम फोकस दूरी, क्योंकि हम सबसे पहले निकाल लें उत्तल लेंस के लिए, फिर निकाल लेंगे अवतल लेंस के। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो P बराबर, यानी कि क्षमता का सूत्र क्या है, P बराबर के F अपो, या तो 1/F लगा दे, लेकिन ये तो हमें लगाना नहीं। अब हम कौन सा लगाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है डायरेक्टर निकालना, तो 100/ क्या F लगाएंगे। ठीक है, अब 100 तो है, F की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50/3। अब ये 3 चले जाएगा ऊपर, तो कितना जाएगा, 100 × 3/50। 50 से कितनी बार, 2, और ये कितना आ जाएगा, 6, और ये प्लस के, और इसका मात्रक क्या होता है, पी का, यानी कि डी, यानी कि पी बराबर, यानी कि लेंस की क्षमता कितनी आ चुकी है, प्लस के 6 डायोप्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या करेंगे, हम फोकस दूरी लेते हैं माइनस में, यानी कि अवतल लेंस के लिए माइनस के 50/3। ठीक है, तो यही वाला रूल, यानी कि पी बराबर के 100/F किया हमने, ये तो फॉर्मूला है बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100/F की वैल्यू कितनी है, माइनस के 50/3, ये 3 चले जाएगा ऊपर, तो कितना, 100 × 3/-50। ठीक है, एक बार यहाँ पे, अब ये कितनी बार, 2, तो कितना, 6, लेकिन माइनस के, और ये डी डायरेक्टर, तो पी बराबर कितना आ चुका है, माइनस के 6 डी डायरेक्टर आ चुका है। ठीक है, तो हमने देखा जिस प्रकार से हमने आपका यही टॉपिक छूट रहा था जो हमने आपको नहीं कराया, और इसका क्वेश्चन आपको एक नंबर में पूछ लेता है कि लेंस की फोकस दूरी ये दी गई है, मान लीजिए कुछ भी है, तो उसकी क्षमता का सूत्र या उसकी क्षमता बताइए कितनी। ठीक है, तो ये हमने आपको करा दिया है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर, क्योंकि ये आपको सॉल्व में करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लेंस के बारे में, हमने पढ़ लिया सब कुछ। ठीक है, देखो अगर मान लीजिए ये कुछ, ये आपकी बुक है, ठीक है, ये आपकी है बुक, ठीक है, ये कोई बुक है, ठीक है, उस पर कुछ पेज पे लिखा, ये पेज है, ठीक है, पेज, ठीक है, मान लीजिए 3 है। ठीक, अब हमारे पास दो लेंस है, नंबर फर्स्ट लेंस है हमारे पास, लेंस है एक उत्तल और एक है अवतल,
अवतल लेंस। ठीक है, आपको मालूम है ना उत्तल लेंस कैसा होता है? ये है उत्तल लेंस, और अवतल लेंस कैसा होता है? ये है अवतल लेंस। ठीक है, ये है उत्तल, नहीं ये उत्तल है और ये अवतल। मान लीजिए इस पर कुछ लिखा है, मान लिया ये हमने इस पर कुछ लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी किसी प्रकार की। ठीक है, अब अगर हम उत्तल लेंस से इसको देखेंगे, यानी कि हमने इसके ऊपर उत्तल लेंस रखा, यानी कि ये रख दिया हमने उत्तल लेंस। ठीक है, और इसका जो दृश्य है वो इस प्रकार से है, यानी कि इसमें दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये लिखा है आपको विज्ञान। ठीक है, विज्ञान की शाखा। ठीक है, विज्ञान की शाखा, यहाँ पे हमने जूम करके देखा क्योंकि क्या थे अक्सर छोटे थे। ठीक है, तो हमने इस पे रखा कौन सा लेंस रखा? सबसे पहले ये उत्तल रखा, उत्तल लेंस रखा। ठीक है, जब हम इससे अक्षर से थोड़ा ऊपर उठाएंगे, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, और ये है उत्तल लेंस। जब हम इसको अक्षर से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो हमें जो दिखाई देगा वो किस तरह से दिखाई देगा? छोटे अक्षर बड़े, अगर बड़े रूप में दिखाई दे रहे हैं तो लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ठीक है, या एक स्थिति और आती है, जब हम और ऊपर उठा देते हैं, मान लीजिए हमने इतना ऊपर उठा दिया और फिर भी क्या दिखाई दे रहे हैं? बड़े दिखाई दे रहे हैं, परंतु क्या स्थिति होगी? हम उल्टा दिखाई देंगे। ठीक है, कैसे दिखाई देंगे? उल्टा। समझ में आ चुका है, उत्तल लेंस की दो स्थिति होगी। नंबर फर्स्ट, अगर आपने थोड़ा सा ऊपर उठाया तो आपको थोड़े बड़े दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपने और उठाया तो आपको बड़े तो दिखाई देंगे पर कैसे? उल्टे। किस प्रकार से? उल्टा नजर आए। ये कैसी पोजीशन है इस लेंस की? उत्तल लेंस की। अगर हम अवतल लेंस की बात करें, किस लेंस की बात करें? अवतल लेंस की। अवतल लेंस में जब आप ऊपर से, यानी कि नीचे से ऊपर उठाएंगे और वस्तु को, यानी कि चित्र को देखेंगे, तो हमें किस प्रकार से दिखाई देगा? ठीक है, हमें छोटा दिखाई देगा। किस प्रकार से दिखाई देगा? छोटा, ना हमें उसमें उल्टा दिखाई देने का ना, ठीक है, कैसा? सीधा दिखाई देगा पर कैसा? छोटा। ठीक है, अगर हम और उठाएंगे तो और छोटा नजर आएगा। ठीक है, ये एक स्थिति ऐसी आ सकती है हमें दिखाई ही ना दे। ठीक है, लेकिन वो कैसी स्थिति, वो कौन से लेंस में पॉसिबल है? आपको मालूम हो चुका है अवतल लेंस। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर उठा के देखेंगे तो छोटा ही दिखाई देगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। ठीक, तो हमें मालूम हुआ उत्तल लेंस में चीज़ें हमें बड़ी दिखाई दे सकती है। ठीक है, और अगर बड़ी वस्तु है, ठीक है, अगर बड़ी वस्तु को छोटी करके देखना है तो किसका यूज़ करेंगे? अवतल लेंस। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए ना चीजें छोटी हो रही है ना चीजें बड़ी हो रही है, सेम हो रही, चाहे आप यहाँ करके देख लो, चाहे यहाँ करके देख लो, चाहे कहीं पे भी करके देख लो, तो सेम हो रही, तो कैसा लेंस है? तो मतलब कोई लेंस नहीं है, सिर्फ कांच की एक प्लेट है। ठीक है, या कांच का एक टुकड़ा है। ठीक है, तो आपको मालूम हुआ अगर उत्तल लेंस होगा तो क्या होगा? वो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाएगा। अगर अवतल लेंस हुआ तो क्या करेगा? बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाएगा। अगर दोनों में से कोई नहीं हुआ तो क्या रखेगा? वस्तुओं को सेम रखेगा। ठीक है, आपको मालूम हुआ कितना? आपको मालूम है जब डॉक्टर लोग या जो घड़ी सुधारने वाले मिस्त्री है, आपको मालूम है ना, तो क्या करते हैं? छोटी चीज़ों को एक छोटा सा लेंस आंख में फिट करते हैं। ठीक है, इस टाइप का, और वो क्या करते हैं? छोटी चीज़ों को बड़ा देखते हैं। ठीक है, तो कौन सा यूज कर रहे हैं लेंस? उत्तल लेंस। मालूम हुआ आपको? ठीक है, उत्तल लेंस हुआ। डॉक्टर भी जब कान में देखते हैं या नाक में देखते हैं, गले में देखते हैं, तो किस लेंस का यूज करते हैं? उत्तल लेंस का, क्योंकि हमें मालूम है हमारी जो शरीर की त्वचा है या शरीर के अंग है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे कीटाणु हो सकते हैं जो हमें छोटा करके नहीं दिखते, इसलिए हम उनके लिए किसका यूज करते हैं? उत्तल लेंस का, जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज आपका चैप्टर नंबर 10 भी बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है क्या? मानव नेत्र और रंगीन दुनिया। ठीक है, तो उसके लिए कल से हम आपको मानव नेत्र की जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में समझाएंगे। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट चैप्टर अपना ऐसे ही कवर करेंगे। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप वीडियो में कमेंट करके बताएं, सर हमारी ये प्रॉब्लम है, हम उनको दूर करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहे हमारे चैनल के साथ। ठीक है, थैंक यू।